गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ओवरहेड्स की एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सीखा था। अब हम समझते हैं मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड टू वेरियस प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने कर रखा है कॉन्सेप्ट, बचपन में कर रखा है जब आपने कॉस्ट शीट पढ़ी थी, बट अब उसको थोड़ा डिटेल में हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओवरहेड्स को हम वेरियस तरीके से हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, चलिए, जिसमें से जो कॉमन तरीके हैं वो ये हैं। नंबर है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जैसे जो पॉपुलर मेथड्स हैं, सो मेथड फॉर एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स, जिसमें पहली है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब अगर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो ओवरहेड रेट जो होगा वो क्या होगा, जो भी आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं अपॉन बजटेड डायरेक्ट मटेरियल उस डिपार्टमेंट का इनटू 100। तो उससे पता चल जाएगा कि इतने परसेंटेज आपके मटेरियल का, इतना परसेंटेज आपका ओवरहेड्स होता है। दूसरी मेथड है, वो है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो इसमें ओवरहेड रेट क्या होगा, इसमें ओवरहेड रेट होगा जो भी आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं अपॉन जो भी आपकी प्राइम कॉस्ट है। तो ये आपको कैलकुलेट हो जाएगा कि भाई हमारे इतने परसेंटेज प्राइम कॉस्ट के। तीसरी मेथड है, वो है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस या लेबर कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होगा ओवरहेड रेट का, जो भी आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं अपॉन डायरेक्ट लेबर इनटू 100। एक मेथड जो होती है वो आती है लेबर आवर रेट। अगर मैं लेबर आवर रेट बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि लेबर आवर से डिवाइड कर दीजिए, ये कॉस्ट है। तो इस केस में जो ओवरहेड का रेट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्शन या मशीनरी अपॉन डायरेक्ट लेबर आवर्स। पता चल जाएगा कि एक घंटे में कितने ओवरहेड लग रहे हैं। नेक्स्ट मेथड जो आती है वो आती है मशीन आवर रेट। तो फॉर्मूला क्या होगा, ओवरहेड रेट इज इक्वल टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन नंबर ऑफ मशीन आवर। यहाँ पर भी नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स आएंगे, ठीक है। अगर मैं पर यूनिट पे देखें तो एक आता है रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो रेट पर यूनिट में ओवरहेड रेट क्या होगा, ओवरहेड रेट अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स, जो भी आपका ओवरहेड हो, प्रोडक्शन हो, सेलिंग हो, अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। इसके बाद ओवरहेड्स में दो तरीके के रेट होते हैं, एक होते हैं, अब इनको बोलते हैं टाइप ऑफ ओवरहेड रेट, एक होते हैं आपके नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट को हम लोग एक्चुअल भी कह सकते हैं, तो उसमें लिखते हैं हम लोग एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अपॉन
एक्चुअल बेस, बेस का मतलब है एक्चुअल लेबर आवर्स और एक्चुअल मशीन आवर्स और एक्चुअल यूनिट, जो भी आपको लेना है जिस पर आप निकालना चाहें। दूसरा आपका होगा प्री डिटरमाइंड, इसको हम बोल सकते हैं बजटेड या प्रपोज्ड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बजटेड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अपॉन बजटेड बेस। बेस का मतलब है मशीन आवर ले लें, लेबर आवर ले लें, जो भी आपको लेना है, ठीक है जी। इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट का मतलब है आपने सबके लिए एक साथ लगा देना है। तो इसका आ जाएगा आपका जो भी टोटल ओवरहेड्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो एक यूनिट का आपका फ्लैट रेट आ जाएगा। चौथा आता है इसमें एक डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। अब डिपार्टमेंट की हिसाब से चलना है तो हमारा जाएगा जो भी डिपार्टमेंटल है तो उस डिपार्टमेंट का ओवरहेड अपॉन रेलेवेंट डिपार्टमेंट बेस। वर्ड यूज़ किया रेलेवेंट डिपार्टमेंट, मतलब उसी डिपार्टमेंट का बेस। अब बेस में आप कोई भी ले सकते हैं, मशीन आवर भी ले सकते हैं, लेबर आवर ले सकते हैं और यूनिट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फ्रेंड्स एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। एब्जॉर्ब करने का मतलब है जो ओवरहेड्स हैं उनको पर यूनिट पर एब्जॉर्ब करोगे ना, कि एक यूनिट पर जैसे कॉस्ट शीट आप बनाते हो तो कॉस्ट शीट में आप लिखते हो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये लिखते हो ना, तो फिर उसमें आप ओवरहेड ऐड करते हो। तो ओवरहेड ऐड करने का मतलब है कि आप उसकी कॉस्ट में टोटल फिगर्स जोड़ते जाते हैं, तो उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकलती रहती है। फिर पर यूनिट कॉस्ट से आपको ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने की मेरी ये कॉस्ट है और उस कॉस्ट को फिर मैं कितने में बेचूँ जिससे कि मुझे प्रॉफिट हो। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की। पढ़ते हैं, अ मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 years। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज लाइकली टू बी ₹900। ठीक है, आगे देखें, रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी 18,000 एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर इतने आवर्स पर ईयर ऑन एन एवरेज। यहाँ से समझ गए, ये पूरी मशीन के बारे में। इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर, रेट पर यूनिट इज 5 पैसे, द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज 2 पॉइंट आउट ऑफ द टोटल 10 पॉइंट ऑफ लाइटिंग। हर एक पॉइंट के बारे में दे रहा है। द फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम, द मंथली रेंट आपका इतना दे रखा है, लाइटिंग के चार्जेज इतने दे रखे हैं, द फोरमैन की सैलरी इतनी देर की, फाइंड आउट द मशीन आवर रेट एज्यूमिंग इंश्योरेंस आपका 1% है और ऑयल के खर्चे आपके ₹9 per month हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमें बेसिकली निकालना है मशीन का रेट। चलिए मैं समझाता हूँ, आप लिखेंगे स्टेटमेंट showing machine hour rate, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि रेंट जो है वो हमारा कितना है, रेंट है हमारा 300 और मशीन कितना यूज कर रही है 1/4,
इसी तरीके से जो लाइटिंग है वो कितनी है हमारी, लाइटिंग का खर्चा हमारा 80 रुपये का है पर मंथ, और मशीन पे 2 पॉइंट लगे हैं, इसका मतलब है 16 रुपये की लाइट ले रही है। फोरमैन की सैलरी जो है वो 960 रुपीज़ है और वो 1/6 टाइम इस पर स्पेंड कर रहा है, ठीक है जी। इसके बाद जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं ऑयल वगैरह के, वो उन्होंने बोला 99 रुपये के हैं, यही है। इंश्योरेंस इन्होंने बताया है 1% पर ईयर है, दैट इज 10,000 का 1% इंटू 1/12, ये हमारा 8.33 रुपये हो गया, ठीक है जी। अब हमें एक चीज़ रह गई है, वो है डेप्रिशिएशन। तो ये तो खर्चे हैं जो होने ही होने, जरा टोटल कर लें इसका। इनका टोटल आ रहा है 268.33, क्लियर है ना। अब हम लेते हैं डेप्रिशिएशन। मशीन की कॉस्ट है 10,000, 900 उसकी स्क्रैप वैल्यू है और उसकी जो लाइफ है वो 4380 आवर्स है, ठीक है जी। नहीं नहीं कितने साल है लाइफ उसकी, 10 साल है। ये तो आवर्स, तो ये आ गई हमारी 910 रुपये पर एनम। नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर वो हमारे हैं 4380। सो डेप्रिसिएशन पर आवर अगर निकाला जाए तो वो कितना आ रहा है हमारा, 910/4380, सो दैट कम्स टू हाउ मच, 0.208, ठीक है जी। ये हमारे जो खर्चे थे ये एक महीने के थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मशीन आवर पर मंथ वो कितना आएगा हमारा, 4380/12, सो दैट कम्स टू 365 आवर्स, ठीक है जी। सो एक तरह से हम कह सकते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर आवर अगर निकालना चाहें तो 268.33/365, तो ये आता है हमारा 0.735, 735 हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए। डेप्रिसिएशन आ गया, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस आ गए। अब क्वेश्चन में दिया था तीसरा, रनिंग एंड मेंटेनेंस, दिया था ना, वो कितना दिया था, पूरी लाइफ का दिया था 18,000। सो फॉर होल लाइफ ये 18,000 है, ठीक है। तो फॉर वन ईयर ये आ जाएगा 18,000/10, तो 1800। फॉर वन आवर्स ये आ जाएगा 1800/4380, सो दिस विल बी 0.411, ठीक है जी। अब हमारी रेंट फिक्स एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन हो गए। अब एक चीज़ और बची है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी में लिखा है 15 यूनिट कंज्यूम करती है पर आवर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी में आएगा 15 यूनिट
और एक यूनिट 5 पैसे की है, तो ये आ गया 750। इस सब का टोटल करें तो ये आ जाएगा 2.104, दैट इज मशीन आवर, ओवरहेड पर मशीन आवर आ गया, या इसी को हम मशीन आवर रेट कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही पूरा। चलिए अब हम देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट इसके बाद, वो होगा अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का, उसको भी करेंगे। थैंक यू।